नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप सेव पासवर्ड को हटा सकते हैं अपने ब्राउज़र से। होता यह है कि जनरली जब भी आप कोई नई वेबसाइट को या पहली बार अपने ब्राउज़र से खोलते हैं, तो जैसे आप उसमें अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं, तो टॉप में एक छोटा सा एक पॉपअप विंडो खुलता है और उसमें पूछता है कि क्या आप अपने पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं। तो जल्दीबाजी में कभी कभी कदार हम लोग सेव पे क्लिक कर देते हैं। उसे होता यह है कि जब भी हम लोग नेक्स्ट टाइम उसी वेबसाइट को खोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे शो होने लगता है। बस सिंपली हम लोग जैसे साइन इन पे क्लिक करते हैं, हमारी वेबसाइट खुल जाती है। तो वहाँ पे कहना ये चाहता हूँ, वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड पहले से ही आ जाता है। ऐसे में अगर आप सिर्फ आप ही उस सिस्टम को यूज़ करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके अलावा कोई और भी उस सिस्टम को यूज़ करता है और अगर वो साइट खोलता है, तो वो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जैसे देखेगा और वो क्लिक करेगा, तो वो आपके अकाउंट के अंदर पहुंच सकता है और आपके अकाउंट को हैक कर सकता है। तो गलती से अगर आपने इस टाइप की एरर किया है, सेव पे क्लिक कर दिया है, तो अगर आप चाहते हैं कि पहले जैसा सब नॉर्मल हो, कि यूज़र नेम और पासवर्ड अपने आप शो ना हो, तो इसे किस तरह हटाया जाएगा, तो वो आप अब देखेंगे। तो मान लीजिए हमने अमेज़ॉन की साइट खोली और जैसे ब्राउज़र ने पूछा कि आप सेव करना चाहेंगे पासवर्ड को, मैंने गलती से जैसे यस पे क्लिक कर दिया है। अब हम अगर मुझे इसे हटाना है तो कैसे हटाएंगे? सबसे पहले आपको जाना है ब्राउज़र पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं क्रोम ले रहा हूँ। क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम राइट के टॉप हैंड कॉर्नर पे आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस का, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ और ऑप्शन खुलेंगे, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पासवर्ड एंड फॉर्म्स का, ठीक है। उसके नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, ऑटो फिल सेटिंग और मैनेज पासवर्ड। तो मैनेज पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन टॉप पे दिखेगा ऑफर टू सेव पासवर्ड, यहाँ पे फिलहाल ऑन है, इसको आपको ऑफ कर देना है। जैसे आप ऑफ करेंगे, तो आपके अगर कोई भी वेबसाइट में सेव पासवर्ड पहले से सेव है, तो वो अनसेव हो जाएगा और आपको दोबारा पासवर्ड और यूजर नेम टाइप करना होगा। और इस तरह से आप अपने सेव पासवर्ड को हटा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया होगा और समझ में आ गया होगा किस तरह से सेव पासवर्ड को आप हटा सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।